तो दोस्तों काला पानी को लेकर के आपके जहन में यही रहा होगा कि भाई काला पानी से तो दूर दूर ही रहा जाए कि किसी भी तरह से कभी उससे रबता ना पड़े बट नेटफ्लिक्स एक सीरीज़ लेकर आ रहा है काला पानी जो आप ज़रूर देखना चाहेंगे और मेरे साथ हैं उसके कास्ट और क्रिएटर्स समीर सक्सेना विश्वपति सरकार आरुषि शर्मा आ, अमेवाग एंड आशुतोष गोवारीकर सर जिनको आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है वो आप जानते ही हैं उनको सब लोग तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आ, आप दोनों से मैं पहले जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत ही ऐसे ऐसे सीरीज़ बनाई है ना जो जो लोगों के ज़िंदगी का हिस्सा है परमानेंट रूममेट्स हो गया पंचायत हो गया बहुत ही हैप्पी गो लकी एंड ऐसा टच करने वाले ये एकदम से अलग किस्म का है थोड़ा डार्क है सर्वाइवल ड्रामा है इसका बीज कैसे पड़ा इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं बदला लेना था जो भी चीजें <laughs> <laughs> से ऐसा सीरियस कुछ चीजें करनी थी uh -huh. और हमेशा से अलग अलग जनर में चीजें करनी थी सिर्फ वही कॉमेडी और फैमिली सेटअप में वो आप करते करते भी बोर हो जाते हो तो uh -huh. कुछ अलग करना था हमेशा और काफी समय से काफी वक्त से ये कहानी साथ में थी और जब मैंने समीर को सुनाया तो उनको अच्छा लगा और फिर जब अमित को सुनाया तो फिर बैठ के इसको डेवलप किया तो काफी आई uh, थिंक एक जो कॉमन रिएक्शन था कि काफी नया है इस तरह का कुछ uh, देखने सुनने में नहीं आया इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अलावा भी बाहर भी बहुत रेयरली इस तरह की चीजें बनती हैं तो शोज में हमें लगा कि ये बहुत एक यूनिक वॉयस हो सकती है इस चीज की और हम जितना हम डीप जाते गए उतना ज्यादा ये और गहरा होता गया तो आई थिंक वैस वहां से शुरू हुआ जर्नी और होता क्या है थोड़ा आप

जी चैलेंजिंग तो बहुत था बिकॉज हम ऐसी जगह शूट करने वाले थे जो जहाँ पर पहले कभी शूट हुआ नहीं है अंडमान निकोबार आइलैंड्स नो वहाँ का क्लाइमेट वहाँ का ट्रेन जंगल एक्सट्रीम हीट नो आ, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था आ, और वहाँ पे एकमेंट भी बिकॉज पहले कभी शूट नहीं हुआ है ज़्यादा तो यहाँ से इक्विपमेंट लेके जाना वहाँ पर वही बहुत चैलेंजिंग था तो बहुत कम रिसोर्सेज के साथ हम शूट किए थे आ, बहुत बड़ी टीम थी तो किरदार <laughs> भी, भी है. 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 हैं mm. और आ, सबकी एक पूरी जर्नी है जो हम कैप्चर करना चाहते थे उसमें right. तो कई बार वो होता है कि आ, आपको एक दो कैरेक्टर्स पे फोकस करना है यहाँ पर हमारे पास सात आठ दस कैरेक्टर्स के पूरे पूरे आग थे जिनको और आ, उनका प्लॉट के साथ एक रिलेशन है उनका आपस में एक रिलेशन है तो कई कई तो डिजाइन करना बहुत मुश्किल था पूरे प्लॉट को पहले तो वो चीज थी और फिर उसको पेपर पे उतारना वो एक बड़ा चैलेंज था और फिर जैसे हाँ, शूट पे, करना एक और लेवल ऑफ चैलेंज और उसका पोस्ट भी एक्चुअली होता क्या है कि मतलब हर स्टेजेस पे है ना आप एक राइटिंग स्टेज हुई फिर एक शूट स्टेज हुई फिर पोस्ट स्टेज हुआ और एक कहानी इवॉल्व करती है हर स्टेज right. पे हम तो आई थिंक शूट के बाद जब पोस्ट में गए तो वो भी काफ़ी चैलेंजिंग डास्ट था बिकॉज uh, हाँ सबको समेटना सबको एक साथ पुट टुगेदर करना बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो hmm. लिखा था वो फिर जो पर्दे पे आने वाला है hmm. वो ट्रांसलेट होना करेक्टली ट्रांसलेट होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आई थिंक लॉर्ड ऑफ क्रेडिट ऑल्सो शुड गो टू द पोस्ट टीम

बहुत गैप गैप के बाद आते रहते थे कैसे क्यों आपने चूज़ किया इस किरदार को अपने ओ टी डेब्यू के लिए भी बोलूँगी और एक लंबे गैप के बाद एक्टिंग में वापस पर्दे के ऊपर आने के लिए नहीं मुझे रोल्स तो ऑफर होते थे हमेशा लेकिन आ, मुझे नहीं लगता था कि मैं कनेक्ट कर रहा था उन, उन कैरेक्टर्स को लेकिन ये पहली बार ऐसा शो आया जिस कैरेक्टर को मैं कनेक्ट कर सका और मुझे लगा कि ये ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इतने कमाल के काम किए हैं पहले और उनका काम को मैंने बहुत सराहा है तो ये एक मौका मुझे मिल रहा था और दूसरा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि वेब सीरीज ये फॉर्मेट ऐसा है जो मुझे इसमें डेफिनेटली कुछ काम करना है और मैं इसको एक एक इसका अध्ययन कर रहा हूं मैं कि किस तरह से ये फॉर्म लिखा जाता है कैसे बनाया गया है तो जब विश्वपति की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो इसमें कम से कम सौ सब सवा सौ कैरेक्टर्स हैं इतने कैरेक्टर्स को लेके इस तरह से कहानी को पिरोना ये बहुत कमाल की चीज़ है तो मुझे लगा अगर कैरेक्टर मुझे पसंद है और मुझे इसमें अगर घुस कर इफ आई कैन वॉच इन साइड दे आर राइटिंग डायरेक्टिंग पोस्ट प्रोड्यूसिंग इट तो इट्स इट्स एडिशनल एडवांटेज मेरे इसमें पार्टिसिपेशन के लिए तो आई फाउंड के बारे में कुछ जो खास बात आपको लगी उस बहुत आपको पसंद आई ये कैरेक्टर ऐसा है कि आ, ये एक्चुअली बहुत अथॉरिटेटिव कैरेक्टर है इसे मालूम है उसे किस तरह से सब लोगों की जिम्मेदारी सबकी जिंदगियां इस पर निर्भर है और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो डिसीजन करेक्ट हमेशा ले ही लेता है लेकिन अब ऐसा ऐसी घटना हुई है जब वो उतनी आसानी से डिसीजन नहीं ले पा रहा है बिकॉज वहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसे या तो दो लोग को सैक्रिफाइस करेगा या तो पचास लोगों को और दोनों में से वैल्यू दोनों का है तो आप किसको सैक्रिफाइस सेक्रीफाइस करेंगे इस मोड पे वो है इसलिए उसमें उस कैरेक्टर में कंपैशन है उसमें एक एक वलनरेबिलिटी आ जाती है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गई अच्छा आपने शुरुआत की थी एज एन एक्टर फिर डायरेक्शन में आपका पूरा जर्नी रहा आप इन्जॉय क्या करते हैं दोनों में से क्या चीज़ ज्यादा करते कैमरे के पीछे वाला काम क्योंकि वो एक बुनता है रचता है पूरा पूरी दुनिया को पूरी फिल्म को और यहाँ आप किसी और के रची दुनिया में एक किरदार निभा रहे होते हैं हुँ, प, हुँ. लेकिन पर्दे के सामने होते हैं क्या चीज़ ज्यादा इंजॉय करते हैं इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन अ ट्रिकी आंसर आई थिंक आई विल गिव प्रेफरेंस टू डायरेक्शन डायरेक्शन बिकॉज डेसम है, yeah. uh, I I okay. बहुत है. Uh -huh. उसमें आप एक्चुअली एक शिल्पकार हैं जो आप पूरी एक दुनिया खड़ी करते हैं उसके किरदार खड़े करते हैं कुछ मेमोरेबल चीज़ें आप उसमें आपको अगर कुछ सोशल मैसेज देना है मॉरल मैसेज देना है जिस किस्म का आपको मैसेज देना है वो आप एज अ डायरेक्टर दे सकते हैं एज अ क्रिएटर एज एन एक्टर कंप्लीटली डिफरेंट कला है वो और वो पर्सनल कला है वो हर हर व्यक्ति में अपनी अंदरूनी कला है उस कला के माध्यम से आप आपका टैलेंट आप दिखा सकते हैं और आप किसी और का विजन आगे ले जा सकते हैं आप उसको यू नो एक इटर्नल फॉर्मेट दे सकते हैं तो आई एम नॉट एक्टिंग एक्टिंग इज माइंड ब्लोइंग बट अगर आप मुझे कहेंगे जैसे दो राह मुझे आप दिखाएंगे कि इस तरफ एक्टिंग है इस तरफ डायरेक्टिंग है तो मैं ये करूंगा <laughs> लेकिन आप अगर मुझे ये कहेंगे कि यहाँ पे सेकंड सीजन ऑफ काला पानी है और यहाँ पे डायरेक्शन है मैं सेकंड सीजन करूंगा

पर uh, मुझे लगता है कैरेक्टर्स में कैरेक्टर में ही चैलेंजेस थे uh, जैसे कि जो मेरा कैरेक्टर है ज्योत्सना का वो क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ है पास में वो बहुत गिल्ट में है किसी चीज़ की वजह से और वो पी से भी uh, गुजर रही है उस वक्त में uh, तो उस चीज़ के बारे में सीखना खुद को अवेयर करना पहली बात वो थी उसके लिए मैं कुछ थेरेपिस्ट से मिली एंड उनसे जाना कि जो पेशेंट्स होते हैं या जो भी आपके पास लोग आते हैं उन्हें क्या फ़ील होता है उनके अंदर क्या चल रहा होता है और बाहर से वो कैसे दिखाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अंदर दबा के रखना और एकदम से जब वो बाहर आती है तो वो आ, वो एक था कि उसको कैसे दर्शाया जाए उसको कैसे जितना ऑथेंटिक हो सके वो कैसे किया जाए और उसके बाद की जर्नी चलती है उसके बाद और चैलेंजेस आते हैं बट वो एक जर्नी में बहुत सीखने को मिला बहुत ही ट्रूथ जब आपके अंदर से बाहर आता है तो वो कैसे फील होता है फील मेरे लिए तो यही एक्साइटिंग था कि मैंने खुद को कभी ऐसे किरदार में कभी पहले देखा नहीं था ना ही किसी और डायरेक्टर ने मुझे ऐसे किरदार में कभी इमेजिन किया था तो उस सब के लिए कन्विंस होना वो सब बहुत अच्छी तरह से कन्विक्शन से करना यही मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग और चैलेंजिंग दोनों था और आ, शूट की बात करें तो आई थिंक अंडमान में क्या है अर्ली सनराइज होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री तो आ, शूटिंग ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर नेचुरल लाइट सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू शूटिंग आउटडोर्स तो पूरा बॉडी क्लॉक हमारा चेंज हो गया था बिकॉज शिफ्ट टाइमिंग नॉर्मल अगर आप मुंबई में शूट करो तो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट इज़ स्टिल सेवन टू सेवन और एट टू एट वहाँ पे फ़ाइव एम टू फाइव पी का शिफ्ट होता था अगर किसी का नाइट सीक्वेंस है तो वो लोग रात में शूट करते थे तो मुझे याद है मेरा तो ज़्यादातर डे में शूट था तो रोज़ सुबह तीन बजे उठना पड़ता था वहाँ पे तीन सवा तीन बजे और शूट पे जाना पड़ता था तो यही एक पूरा बॉडी क्लॉक ही चेंज हो गया था और ये है कि वहाँ जाके आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि यार मुझे पाँच बजे शूट करने की आदत नहीं है तीन बजे उठने की आदत नहीं है फाइनली इट्स योर जॉब एंड यू हैव टू डिलीवर और एक्सट्रीम कंडीशनस थे वहाँ पे आ, हम लोग एक्चुअल जंगल में काफ़ी बार शूट के लिए गए थे <laughs> काफ़ी बार हम लोगों ने बीच पे शूट किया और ऐसा बीच जो टूरिस्ट बीच नहीं है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते आ, तो ऐसी सब कंडीशंस में हम लोगों ने शूट किया है वो सब चैलेंजिंग था और उस ऐसी कंडीशंस में अच्छा परफॉर्मेंस भी देना है बट uh, यही तो मज़ा है इस फील्ड का है इसलिए तो हम लोग एक्टर बने थे एक और चीज़ ऐड करनी थी मतलब एज अ एक्ट्रेस ना फीमेल एक्टर तो वो एक वो मेकअप ये वो टचअप एंड ऑल वो सब कुछ नहीं था वो बहुत लिबरेटिंग चीज़ थी साथ में क्योंकि जंगलों में शूट हो रहा है और ज़्यादा अगर पसीना आ रहा तो सर वुड भी लाइक हाँ रखो रखो अच्छा है अच्छा है तो वो आपको लिबरेट कर देता है आई थिंक वो भी बहुत अच्छी जो डी ओ पी है ना बारनी ने एक बार एक आ, मेरे एक सीन में वो मेकअप आर्टिस्ट आके मुझे ऐसा टचअप कर रहा था तो बारनी ने बोला कि आई वांट वॉन्ट स्किन टू लुक ऑयली दो नो टचअप नो टचअप तो फिर <laughs> बाद में या अरसल अच्छा जैसे आपने कहा कि आप जानना चाहते थे कि कैसे ये वेब सीरीज़ पे कैसे काम हो रहा है और ओ टी टी पर जो जिस तरह जो कॉन्टेंट आ रहा है ओ टी टी ने एक तरीके से सिनेमा व्यूइंग जो थी हमारी हम ऐसा मानते कि सब तो चेंज किया है उसने एक 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 बदलाव लेकर के आया चाहें थे थिएटर थे, की जो फिल्में आप देखो तो आपका कैसा ऑब्जर्वेशन है आप कैसे देख रहे हैं किस तरीके से सिनेमा व्यूइंग को बदल दिया उसने ओ टी टी ने नहीं बदला है मुझे लगता है पैंडमिक ने बदला है अच्छा पैंडमिक फोर स्टस के हम अपने घरों में बंद थे सिनेमाघर नहीं जा सकते थे तुमने घर पे हमने ओ को डिस्कवर किया रीडिस्कवर किया एक्चुअली एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हिंदी सिनेमा से ज़्यादा मैं मलयालम सिनेमा देखता था कन्नड़ सिनेमा देखता था तमिल तेलुगु देखता था जो जो अपने नहीं है। बिकॉज uh, मराठी और हिंदी तो हम देखते ही हैं तो मेरी वो डिस्कवरी हो गई ऑडियंस कि मैं आई एम वॉचिंग एनी कॉन्टेंट विच कम्स ऑन ओ टी तो मेरे मेरे माइंड में एक दायरा सेट हो गया कि अगर कहानी इस किस्म की है तो मैं घर पे ही देखूंगा। hmm. अगर कहानी बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट है तो मैं थिएटर में जाऊंगा। hmm. उसमें ओ ने आके एक नया ये क्रिएट किया जिसमें आप अगर कुछ आपकी अगर ऐसी कहानियां हैं जो आप फिल्मों थिएटर में नहीं कह सकते हैं वो आप ओ पे आ जाएंगे तो उससे वो, वो जो बदलाव है वो

लगता है कि थोड़ा-थोड़ा फिर क्या क्वालिटी जो होता है कि क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी पे असर पड़ता है वो हो रहा है या आप आप किस तरह से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ये समय को आई थिंक मौके ज्यादा मिल रहे हैं लोगों को जो कि अच्छी बात अच्छी है।, है हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर ओटीटी के बाहर भी मैं कहूंगा कि अगर किसी के पास फ़ोन है हाथ में तो वो अपना टैलेंट दिखा सकता है uh, अब ऑफ ऑफकोर्स उसमें वो है कि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है तो क्वालिटी थोड़ा बहुत सफ़र करेगी बट मुझे लगता है ये रेक्टिफाई हो जाएगा विथ टाइम जैसे शोज़ भी इतने आते हैं पर हम वही याद रखते हैं जो साल के चार पाँच छः जो बेस्ट शोज़ हैं हम शायद उन्हीं को याद रखते हैं और वही होगा ऑफ़कोर्स अभी करेक्ट होगी ये चीज़ें बट अच्छी चीज़ ये है कि नए राइटर्स नए एक्टर्स नए फिल्म मेकर सबको मौका मिल रहा है जो कि जो ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी दस साल पहले इंटरनेट ओटीटी से पहले नहीं थी आप कुछ करना चाहेंगे हाँ मतलब आई थिंक यही है कि uh, काफी uh, एक कोर्स करेक्शन तो अपने आप हो गई। नो अ लॉट ऑफ स्टफ हर ही सारी, सारी चीजें अच्छी भी नहीं है अच्छी अच्छी भी सब्जेक्टिव ऑडियंस फॉर एवरी बट uh, हाँ आई थिंक अपने आप थोड़ा सा शायद कंटेंट हल्का सा कम हो और ज्यादा क्वालिटी पे फोकस होगा बिकॉज mm -hmm. अभी एक बीच में द पेंडेमिक हिट वो फेज भी आया था कि जब सब लोग बहुत बनाने लगे थे mm -hmm. कि नाउ सडनली व्यूअरशिप आने लगी तो जो हो रहा है बनाओ, बनाओ, बनाओ. No. जो बचा हुआ वो है वो सब हाँ सब सब बना दो तो आई थिंक वो वो फेज अब धीरे धीरे होगा कि नाउ पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट अच्छा ये वर्क कर रहा है ये ठीक है ये बेहतर है तो सब अपना कोर्स करेक्शन भी करेंगे एंड इवेंचुअली आई थिंक अगेन गुड कॉन्टेंट विल विल बी देयर नो विल सर्वाइव अच्छा अभी मैं सभी एक फन क्वेश्चन पूछना चाहूंगी टेक दिस एज योर लास्ट क्वेश्चन नो आई आई हैव टू क्वेश्चंस प्लीज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम विल टेक दिस एज योर लास्ट क्वेश्चन प्लीज बिग बॉस चाहता है कि Big आपका लास्ट वन नो क्वेश्चन यार हाँ। हाँ। तो एक क्वेश्चन सबसे ही था कि अगर आप फन क्वेश्चन थोड़ा कि आप लोगों को अगर किसी को पा, काला पानी भेजना हो कि जैसे मैंने बोला कि काला पानी कोई नहीं जाना चाहता किसको भेजना चाहेंगे क्यों <laughs> मैं खुद जाना चाहूंगा <laughs> <क्यों>? <laughs> मैं चाहूंगा इतने नान से कोई डिस्टर्ब न करे <laughs> <laughs> दूसरा सीजन लिखा सबके लिए दे दिया नहीं सब अब ये खत्म नेक्स्ट

नहीं एक्चुअली मुझे तो मैं पूरी टीम के साथ फिर एक बार जाना चाहता हूँ काला पानी बिकॉज आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम और मेरी जो मेमोरीज़ है उस जगह से एसोसिएटेड वो सिर्फ हैप्पी मेमोरीज़ ही है great. बहुत सुंदर जगह है अंडमान्स hmm. तो मुझे तो लगता है ये शो हिट हो जाए जल्दी तो हम सब वहाँ जाके थोड़ा एक वेकेशन करेंगे oh. पार्टी करेंगे नहीं तो मैं आपका सवाल थोड़ा बदल दूंगा जी। आपका सवाल ये होना चाहिए कि आप काला पानी अगर जाएंगे तो किसको लेके जाएंगे साथ okay, ले hmm. अद्भुत जगह है कि hmm. आप हमें शेयर करना चाहिए लोगों के साथ प्लेस hmm. हमारे ही देश में एक ऐसा टापू है जो इतना कमाल का है कम एंजॉय एज ए डायरेक्टर हमने आपको देते हुए पिछले जो अब दो तीन फिल्में हैं वो उतना कनेक्ट नहीं किया एक तो आप डायरेक्शन से थोड़ा बैक स्टेप क्यों लिया हुआ है आपने कुछ वजह है और ये आपको लगता है कुछ क्या दर्शक हमारा बदल गया है या क्या आप वजह मानते हैं नहीं मैंने बैक स्टेप नहीं लिया मैं स्क्रिप्टिंग टू फाइंड द नेक्स्ट स्क्रिप्ट और अब मेरी स्क्रिप्ट वो रेडी है मैं वो करूँगा लेकिन uh, मेरे लिए डरक्शन फिल्म बनाना यानी एक नए एक नई दुनिया में जाना ही है तो वो आ, मैंने कभी भी आ, एक मतलब लोग एक साल में तीन फिल्में बनाते हैं मैं तीन साल में एक बनाता हूँ मतलब रेशियो मेरा वो है और उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ बिकॉज मुझे उतना वक्त लगता है तो अब होपफुली मैं जल्दी शुरू करूँगा जल्दी ही आप लोग का काला पानी का सीजन टू भी शुरू हो तो